वेरी वेरी गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। अब देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको याद है कि गप्पू के घर के पीछे का जो पार्क है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर ये देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर कौन सा पिक्चर है, ये गप्पू के जो गप्पू का जो घर है। आप देखिए गप्पू का घर कहाँ पर है, गप्पू का घर आपका ये है। अब गप्पू के घर के पीछे ये क्या है, ये सारा पार्क का पोर्शन है। अब देखिए अब वो बोल रहे हैं कि आपको इस पार्क को देखना है और इस पार्क को देखिए आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। अब देखिए मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब देखिए ये जो हमको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो स्वीट शॉप है, अब देखिए यहाँ पर स्वीट शॉप कहाँ पर है, ये वाला देखिए स्वीट शॉप है हमारा, ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या है हमारा स्वीट शॉप है। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें चार गेट हैं, ए और बी गेट हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जो ये स्वीट शॉप है, इस स्वीट शॉप के सबसे पास वाला गेट कौन सा है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ए गेट है, तो इसका मतलब स्वीट शॉप का जो सबसे पास वाला गेट वो कौन सा है, ए गेट। ओके, विच गेट इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस। अब देखिए ये गप्पू का घर है, ये देखिए ये वाला गप्पू का घर है, तो गप्पू के घर के सबसे पास कौन सा वाला गेट है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कौन सा गेट है, ये सी। ओके, तो ये सी गेट हो गया गप्पू के घर के पास का। अब वो बोल रहे हैं इफ यू इंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू यूर लेफ्ट राइट और फ्रंट। अब देखो वो बोल रहे हैं कि अगर आप बी गेट से अंदर घुसते हैं, अब देखिए ये वाला बी गेट है, तो वो बोल रहे हैं कि अब माना देखिए अब इस बी गेट से हम अंदर घुसते हैं। अब देखिए इस बी गेट से आप जैसे अंदर घुसोगे तो ये ग्रीन बेंच है, ये ग्रीन बेंच है यहाँ पे, तो ये ग्रीन बेंच जब आप अंदर घुसोगे तो ये आपके लेफ्ट में पड़ेगा या राइट पे पड़ेगा, दाएं हाथ पे पड़ेगा या बाएं हाथ पे पड़ेगा, तो ये दिख रहा है यहाँ पर कौन सा हाथ पे पड़ रहा है, ये लेफ्ट वाले पे पड़ रहा है। ओके, तो लेफ्ट वाला इसका आंसर हो गया। अब देखिए When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? अब वो बोल रहे हैं कि सुहासिनी क्या हो रही है, इस पार्क के अंदर घुस रही है। अब देखिए सुहासिनी देखो इस पार्क के अंदर घुस रही है, तो अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि फ्लावर बेड वज टू हर राइट, तो उसके दाएं हाथ की तरफ क्या था, फ्लावर बेड था। अब तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लस पहले फ्लावर बेड है कहाँ पे। अब देखिए ये है फ्लावर बेड हमारा, फ्लावर बेड कहाँ पर है, ये वाला पोर्शन ये है हमारा फ्लावर बेड। अब फ्लावर बेड तो ये है, तो अब वो बोल रहे हैं कि ये उसके दाएं हाथ की तरफ पड़ रहा है, इसका मतलब जब वो यहाँ पर से एंट्री कर रही होगी, तो यहाँ पर से एंट्री करेगी तो ये वाला जो फ्लावर बेड है ये इसके दाएं हाथ की तरफ पड़ेगा, इसका मतलब ये कौन सा गेट किससे घुसती है, वो यहाँ पर कौन सा गेट दिखाई दे रहा है, डी गेट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो डी गेट से क्या हो रही है, अंदर घुस रही है। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप गेट सी से अंदर घुसते हैं, अब देखिए गेट सी कौन सा, गप्पू के हाउस के पास वाला गेट सी है, ये वाला है गेट सी, तो इस गेट सी से अगर आप अंदर घुसते हैं तो आपको कौन सी चीज सबसे पास दिखाई देती है। अब वहां पर उसने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच और सीसो। अब देखिए बास्केटबॉल कोर्ट कहां पर है, बास्केटबॉल कोर्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट ये है यहां पे, ठीक है बास्केटबॉल कोर्ट ये है, ठीक है यहाँ पर ये सीसो है और फ्लावर बेड और ग्रीन बेंच, ग्रीन बेंच देखिए यहाँ पर है, ये ग्रीन बेंच और फ्लावर बेड। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे पास इस गेट सी के कौन सा है, तो गेट सी के सबसे पास कौन सा दिख रहा है, ये सीसो दिख रहा है हमको, क्लियर है, तो ये सीसो क्या है इसका आंसर। ओके, तो आप कर सकते हैं इसको, क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।